मुश्किलों के बाद गुंजन मैं एक साथ मिले हैं। इन दोनों की एक बार फिर से शादी होनी ही चाहिए। सही कहा भाई। हाँ हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए हमने सोचा है कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक लड़के वाले इधर आ जाए। मयंक चलो इधर बेटा। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है। गुंजन तुम यहां आ जाओ। बेटा तुम इधर रचना। अरे नहीं नहीं रचना, तुम्हें यहाँ आना होगा ना। नहीं नहीं इस बार तुम हमारी तरफ। अरे ऐसे कैसे वहां आएगी, रचना तो यहीं आएगी। हाँ हाँ और नहीं तो क्या, हम तो भाई अपनी बहन की तरफ ही जाएंगे। भाई हम तो गुंजन के साथ हैं। भला हम अपनी धर्म पत्नी का पल्लू छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? हमें तो वहीं जाना होगा। अरे हम मजाक कर रहे हैं भाई, तो वहीं आ रहे हैं। चाओ, 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 जिंदा रहना है हमें। गोपाल बचाया। गोपाल गोपाल बिन पैंदे के लोटे वहां कहां जा रहे हो, हमारी तरफ आ जाओ। उधर ही जाना है। आ जाओ। और डोलू तुम किसकी तरफ जाओगे? मैं तो मयंक भैया और गुंजन दीदी दोनों की पार्टी में हूँ। और बिंदिया आप? जाहिर सी बात है बिंदिया हमारी तरफ। गुंजन बेटा ये बिंदिया है, तुम्हें इस घर में वापस लाने में इसने बहुत मदद की है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी में ये शामिल हो। हाँ हाँ ये तो मानी हुई बात है। और नहीं तो क्या, अब तो बिंदिया हमारे घर का एक हिस्सा ही बन गई। तो हो जाए एक फैमिली फोटो। हाँ हाँ क्यों नहीं, फैमिली फोटो यस। बिंदिया तुम प्लीज एक फोटो क्लिक करोगी? मैं भी इस फैमिली फोटो में आना चाहती थी, लेकिन नेवर माइंड, लाओ दो कैमरा। आओ बेटा बिंदिया तेरा पत्ता कट गया यहाँ से, जल्दी कुछ कर वरना तेरा टाटा बाय बाय होना पक्का है।